हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे पास फिनिक्स इको 5.5, जिसे हम रिव्यू करने वाले हैं। ये बाइसिकल कई कलर्स में आती है, लेकिन हमें सिल्वर थोड़ा ज़्यादा आई के अच्छे लगा। ये मैट कलर्स में आती है और इसकी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। कंपनी की ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है और डिज़ाइंस भी बहुत शानदार हैं। इसमें आपको थ्रेडलेस स्टेम देखने को मिलेगी, जो कि आजकल इस प्राइस में कॉमनली अवेलेबल हो जाती है। उसी के साथ साथ ब्रेक लीवर्स की क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। ये काफ़ी वाइड हैंडल बार के साथ आती है, जो आपकी राइडिंग को और इजी कर देती है। सस्पेंशन की क्वालिटी अदर ब्रांड्स के मुकाबले बहुत अच्छी दी गई है और ये स्टील का बनाया गया है। आगे की डिस्क 160 mm की दी गई है। हालांकि जो कैलिपर है उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, उसी के साथ साथ पीछे भी 160 mm की डिस्क ब्रेक दी गई है। साथ में साइड माउंटेन स्टैंड भी दिया गया है। कोटरलेस क्रैंक का यहाँ यूज़ किया गया है। ये साइकिल सिंगल स्पीड ही आती है, अगर आप इसे गियर में अपग्रेड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। डबल वॉल अलॉय के रिम्स यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस पर फिनिक्स की ब्रांडिंग भी है। उसी के साथ साथ इसमें कैंडा के टायर्स का यूज़ किया गया है और हमारे पास जो मॉडल है वो 29 इंच टायर साइज़ के साथ आता है। सीट को भी काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। सीट पोस्ट एडजस्टेबल है और साथ में अलॉय का बना हुआ है। इस बाइसाइकिल का टोटल वेट लगभग 16 kgs है। मडगार्ड्स और बोतल होल्डर आजकल कंपनी की तरफ से नहीं आते हैं, जो कि आपको अलग से लगवाने पड़ते हैं। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये साइकिल बहुत अच्छी है। बाज़ार या ऑनलाइन इसकी कीमत 8,500 से लेकर 10,000 रुपये के बीच में है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 29 इंच ही परचेज़ करें। ओवरऑल इस प्राइस में ये बाइसिकल बहुत ही अच्छी है, आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे भाई की हाइट 6 ft 1 in है, तो इनके लिए ये साइकिल साइज़ बहुत अच्छा है चलाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस। अगर आपको इस साइकिल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।